गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप लोग हाउ आर यू प्रीति काजल राखी कृष्णा अखिलेश वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं एंड आई नो दैट यू यू पीपल वर वेटिंग फॉर द क्लास तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी क्लास को और लेते हैं अपने वर्क को जो हम कल नहीं कर पाए थे पहले सबसे उसको करते हैं साइमा मोहम्मद सा, शमीम मीनू वेद पांडे वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों तो सबसे पहले बच्चों हम वर्क शुरू करते हैं वहीं से बिल्कुल एग्जैक्टली exactly उसी पीडी uh, पीपीटी uh, को लेते हैं जो कहते हो चांदनी जी प्रीति जी बच्चों आई एम फाइन शमीम आई एम वेरी फाइन हेलो तो बच्चों ये देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये शडे वी डूइंग दिस क्वेश्चन और हमने इसका आंसर जो यहां पे लिया था दैट आंसर वाज़ That was the noun मतलब कहने का है कि आपके पास क्वेश्चन भी होते हैं है, है so तो तो हमेशा बताया है कि वोट से क्वेश्चन बनाओ जैसे क्वेश्चन बना आई डो नॉट नो क्वेश्चन बना वॉट डू यू नॉट नो क्या नहीं जानते वाई ही इज सो क्यूरियस अबाउट दिस तो वोट का आंसर आ गया तो नाउन क्या बन गया हमारे बच्चो नाउन क्लॉस जी पूनम राखी प्रीति कृष्णा गुड मॉर्निंग बिल्कुल बच्चों आंसर आपका डी बनेगा अब हम आते क्वेश्चन नंबर टू पे टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इंपॉर्टेंट टू तो बच्चों बताओ इफेक्टिव टीचर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वट इज इंपॉर्टेंट टू बी एन इफेक्टिव टीचर हाँ जी बिल्कुल बच्चों टू का भी हमारा क्या बनेगा डी बनेगा तो टू का आंसर हमारा यहां पे क्या होने वाला है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी डी बिल्कुल सही है बच्चों तो इट वुड बी डी जी बिल्कुल करेक्ट है बहुत अच्छे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों थर्ड और थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है अ सिक्स ईयर ओल्ड शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी अब देखो इसमें सब बच्चे समझ पाएंगे कि छह साल की बच्ची है और उसमें एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी है उसके पेरेंट्स भी हैं बोथ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन सेंड हर टू कोचिंग एवरीडे एंड ट्रेन हर ऑन वीकेंड्स वो वीकेंड्स पे उनको ट्रेन भी करते हैं हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट रिजल्ट ऑफ तो बच्चों काहे का विनेंगे वो इंट्रेक्शन किसका एक तो हेरिडिटी का क्योंकि माँ बाप दोनों ही क्या है उसके स्पोर्ट्स पर्सन है और बच्चों एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट उन्होंने उसे प्रोवाइड किया है तो इन दोनों का आंसर आपका ए बनेगा अगर मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो यहाँ पे मदर फादर का कुछ भी नहीं होता रोल हेल्थ एंड ट्रेनिंग तो खाली हेल्थ और ट्रेनिंग की बात होती डिसिप्लिन न्यूट्रिशन तो खाली टीचर की बात होती तो आंसर हमारा बच्चों ए बिल्कुल सही बात है शमीम ए को लॉक कर दिया जाए अब बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसिटिव पीरियड परटेनिंग टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट ये बच्चों बहुत ध्यान से आंसर करना है आपको मतलब सेंसिटिव पीरियड पूछा है उसने काहे के लिए पूछा है सेंसिटिव पीरियड बेसिकली पर्टिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट ये ऐसा कौन सा इनमें पर्टिकुलर पीरियड है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है डी अर्ली चाइल्डहुड बहुत अच्छे बच्चों वेरी गुड इट इज डी अर्ली चाइल्डहुड अगर मैं बता दूं आपको तो ये बच्चों शुरू 4 है 4 होता है फोर मंथ से लेके है ना फाइव इयर्स तक लगभग फोर मंथ से लेके फाइव इयर्स तक हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है और ये जो प्रीनटल लिखा है बच्चों प्रीनटल का मीन्स किससे जाता है ये जीरो से लेके नाइन मंथ तक यानी कंसेप्शन से लेके नाइन मंथ तक जब तक बच्चा पैदा होता है ये प्रीनटल पीरियड अगर मैं एल एस आर डब्ल्यू में से बात करूं बच्चों तो ये लिसनिंग यहां पे फोकस्ड रहती है पीरियड में भी मतलब ये यही से एक्टिवेट हो जाती है जब बच्चा पेट में होता है मिडिल चाइल्डहुड पीरियड ये आगे का है और एडल्टहुड आप जानते हैं डन बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं फाइव नंबर फॉलोविंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर बहुत ध्यान से बताना है देखो लर्नर आपके डिफरेंट तरह के होते हैं उनमें से एक लर्नर होता है बच्चों गिफ्टेड लर्नर तो एक हम इसमें कहेंगे गिफ्टेड लर्नर की बात करेक्ट एवरी वन जी बच्चों लीड सो so, कैसे हम बच्चों इसको करेंगे ओके okay, बिल्कुल ठीक है बी आंसर कर रहे हैं बच्चे जी ऑल राइट बच्चों तो देखो ध्यान से गिफ्टेड लर्नर की अगर हम बात करें यहां पे तो बच्चों बिल्कुल ठीक है फाइव का बी आप लोग बता रहे हैं बी ओके okay. देखो यहां पे यह बिल्कुल सही है बी आंसर यानी कि ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ यानी अगर बच्चों को भाई देखो सीधी सी बात है गिफ्टेड कैसा बच्चा है जो सबसे ऊपर रहेगा आगे रहेगा लेकिन अगर क्लासेस सबके अकॉर्डिंग होंगी यानी कि एवरेज बच्चों के अकॉर्डिंग भी होंगी तो ये बच्चा हंड्रेड बोर हो जाएगा राइट बच्चों बाकी एग्रेसिव होना फ्रस्ट्रेटेड ये नहीं बात है हाईली होना, ये भी कोई बात नहीं है बल्कि आंसर आपका बी बनेगा पकड़ पा रहे हैं सब बच्चे अब बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे बहुत ध्यान से देखना है द दिफेलोकॉडल द सिफेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम तो अगर हम इस पर फोकस करें सिफेलोकोडल प्रिंसिपल तो बच्चों बताओ ये कहां से कहां के लिए कहता है सिक्स का सी वेरी गुड ये तो बहुत अच्छे कर रहे हैं सब बच्चे मैथमेटिक्स कृष्णा मीनू पूनम अखिलेश प्रीति बहुत अच्छे बच्चों जी क्षमा बिल्कुल ठीक है वेद पांडे शुभम शगुन शमीम अनुज राखी राजंती काजल वेद पांडे बहुत अच्छे बच्चों जी शाइमा करेक्ट बच्चों ये बिल्कुल सही है ये तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता था क्योंकि ये लगता है कि जैसे सी डी पी का क्वेश्चन हो तो आंसर जो बच्चों जाएगा आपका सी जाएगा हेड टू टो तो ये हेड टू टो ही एक तरह से प्रोसीड करता है ठीक है बच्चों ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन कहता है बच्चों अ टीचर कैन इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय तो वो कैसे इफेक्टिव लर्निंग कर सकता है अपनी एलिमेंट्री क्लासरूम में तो सब बच्चे बताएंगे ऑफरिंग रिवॉर्ड ड्रिल एंड प्रैक्टिस एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन अमंग देम या फिर कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट बहुत अच्छे बच्चों वेरी गुड आप पकड़ पा रहे हो चीजों को यह बिल्कुल सही है यानी कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट और अगर हम एनसीएफ 2005 की बच्चों बात करें तो ऑब्वियसली ये भी जबरदस्त है ये पूरी तरह से इसको कहता है कोरिलेशन विद लाइफ ठीक है बच्चों लॉक कर दिया है हमारा डी आंसर अब बच्चों क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं च ऑफ द फोलोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का कौन सा एग्जाम्पल है ठीक <coughs> है बच्चो ठीक है ओके okay, सी कह रहे हैं आप लोग <coughs> देखो ध्यान से देखो कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस जी बच्चों बड़े ध्यान से देखो ये आपका कॉम्पिटेटिव क्लासरूम नहीं है इंडिविजुअलाइज लर्निंग नहीं है कॉर्पोलर पनिशमेंट नहीं है जरा इसको देखो ए को कोसटेंट कॉम्पेरेटिव इवेल्यूएशन ये भी आपका सी है जब आप कॉन्स्टेंट कॉम्पेरेटिव इवेल्यूएशन करेंगे तो बच्चों ये सबसे बेस्ट रहता है है ना मतलब कहने का ये कि आप कंपैरिजन करते हुए कांस्टेंट इवेल्युएशन करते हैं तो दिस इज एक मिनट रुको विच ऑज द फॉलोइंग एग्जांपल इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस बच्चों ए ही बनेगा आंसर इसका ए बनेगा बिल्कुल ऐसे समझो जैसे सीसीई होता है वो सबसे इफेक्टिव है स्कूल प्रैक्टिस के रूप में ठीक <coughs> है बच्चों जी सही है अगले क्वेश्चन पे आएंगे अब देखो क्वेश्चन बनाया आपका एट नंबर अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग जीन प्याजे बच्चों किस पे फोकस करता है कि ये नेसेसरी है लर्निंग के लिए बताओ एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय द लर्नर या ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स बिलीफ इन इमेट जस्टिस एंड एनफोर्समेंट बाई टीचर्स एंड पेरेंट्स बताइए बच्चों क्या बनेगा ओके ए बहुत अच्छे बिल्कुल सही आंसर है बच्चों ए ही आंसर बनेगा क्योंकि सीधी सी बात जीम प्यादी किस पे फोकस करता है एनवायरमेंट पे तो एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाई द लर्नर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बच्चो इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप टीचर फैसिलिटेट लर्निंग बाई प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट दैट तो बताओ प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कैसा एनवायरमेंट टीचर प्रोवाइड करेगा लर्निंग के लिए प्रोमोट डिस्कवरी इज रेस्ट्रिक्टिव या डिस्करेज इंक्लूजन या बच्चों एनकरेजेस कॉम्पिटिशन रेपिटिशन हां जी बिल्कुल सही प्रति एनफोर्समेंट एग्जैक्टली exactly बच्चों जो डिस्कवरी को प्रोमोट करता है बहुत अच्छे क्योंकि बाकी अगर तीनों देखेंगे तो ये नेगेटिव में जा रहे हैं भाई रेपिटेशन का मीन्स क्या हुआ एक तरह से रोट लर्निंग ये होगा नहीं डिस्करेज करना रेपिड इंक्लूजन को ये भी गलत है रेस्ट्रिक्टिव होना नहीं चाहिए तो आंसर वैसे भी आपका ए बन गया क्वेश्चन <coughs> नंबर देखो सब बच्चे इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम एन इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट्स टू बी मोटिवेटेड तो बताओ बच्चों क्या बनेगा आपको एलिमेंट्री क्लासरूम में इफेक्टिव टीचर क्या कर रहा है मोटिवेट कर रहा है कैसे <coughs> टू लर्न सो दिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स टू रेट मेमराइज बच्चों memorize को तो रेट नहीं करेंगे पनिशमेंट टू परफॉर्म सो देट दे गेट गुड मार्क्स हंड्रेड परसेंट बहुत अच्छे सोनी वेद पांडे सभी बच्चे समझ गए ए आंसर जाएगा बच्चों बाकी तीनों अगर हम देखें तो नेगेटिव जाते हैं कहीं ना कहीं वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर इलेवन देखें सब बच्चे टीचर टेल हर स्टूडेंट टू एनकरेज इंट्रेंसिक मोटिवेशन बच्चों दो तरह के मोटिवेशन है इंट्रेंसिक वो है जो आपके अंदर से आए और एक्सट्रेंसिक जो बाहर से आपको मिलता है सबसे जरूरी ये है तो कह रहा है कि क्या करे टीचर ऐसा जिससे कि बच्चे किससे खुश हो इंट्रेंसिक मोटिवेशन से तो बताओ इनमें से कौन सी लाइन उसको दिखाती है <laughs> देखो कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज या वाई कैन नॉट यू बी लाइक हिम सी कंप्लीट द टास्क फास्ट ट्राई टू डू इट यू यून हंड्रेड परसेंट बच्चों देखो बाकी जो है ना ये लिखा है ना बिफोर शी डज ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन को दिखा रहा है और ये बच्चों सही नहीं है नेगेटिव है यू विल लाइक हिम दूसरे से कंपैरिजन हो रही है दोनों गलत हो गए कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ ट्रॉफी ये खाली रिवॉर्ड की बात लेकिन ये जो लिखा है ट्राई टू डू इट यू विल लर्न तो ये बच्चों इंट्रेंसिक मोटिवेशन को कहीं ना कहीं हाई करता है <coughs> बहुत अच्छे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम फोर्टीन नंबर देखेंगे सब लोग लर्नर्स अवेयरनेस ऑफ देयर ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड टीचर्स अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्टाइल एनहांस तो बताओ बच्चों क्या बनाएगा लर्नर्स मतलब, डेवलप कर रहे हैं इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ देर ऑन स्टाइल ऑफ लर्निंग और टीचर की अवेयरनेस इंडिविजुअल स्टाइल की तो बच्चों क्या ग्रुप बनाएगा वो ग्रुप लर्निंग को बढ़ाएगा को को या इंडिविजुअलिस्टिक को लेकिन बच्चों कैसे है? जो आंसर आप दे रहे हैं कैसे बनेगा हाँ बिल्कुल सही है कुछ बच्चे क्षमा बिल्कुल सही जा रही है प्रीति सही जा रही है मोहम्मद शमीम <coughs> देखो बच्चों लर्नर का अपना इंडिविजुअल और टीचर का देखो कहां पे लिखा है एंड टीचर्स टीचर का भी अपना इंडिविजुअल सब कुछ तो अगर ये पता चलेगा तो कॉपरेशन आएगा ना बीच में तो कॉपरेटिव लर्निंग को वो बढ़ाएंगे और सबसे बेस्ट में कौन सी होती, होती है बच्चों को लर्निंग पकड़ पा रहे हैं आप लोग जी आयुषी बिल्कुल ठीक है मीनू अखिलेश साइमा बहुत अच्छे जी जीश्री गुड तो समझ में आ गया बच्चों ये कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ाएगा आपकी ऑल राइट right, बच्चों नहीं 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 ये ये, ये बेटा कोऑपरेटिव बनेगी अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम हाउ कैन टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंटेंसिकली मोटिवेटेड बच्चों इंटेंसिकली मोटिवेटेड का मींस क्या होता है वो ही फिर अंदर की तरफ टुवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग तो बताओ Inducing anxiety and fear क्या उनमें डर पैदा कर सकता है बच्चा टीचर उससे होगा हाँ जी चंचल ये सी की सी टेट है बेटा स्पेशली बाई गिविंग कॉम्पिटेटिव टेस्ट क्या इससे हो सकता है या सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी हो सकता है ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड बच्चे रिवॉर्ड्स ठीक हैं लेकिन इतने भी नहीं लेकिन आंसर आपका बिल्कुल सही है सी जाएगा वेरी गुड तो बाई सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी पकड़ पा रहे हैं सब बच्चे बहुत अच्छे बच्चों ठीक है साई मां वेरी गुड सब बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप लोग कहता है बच्चों फोर्टीन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स मतलब इफेक्टिव मेथड क्या तो बनाना है हमें कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट करना है बच्चे में

प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोस्फेयर तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे मोस्ट इफेक्टिवली किस एटमोस्फेयर में बच्चों सीखेंगे वेयर देअर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड देर वेल्यूड या फिर बच्चों वेयर द टीचर इज ऑथोरिटेटिवरिटेटिव है तो बिल्कुल खत्म हो गया वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरी को या फिर वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू प्ले पैसिव रोल पैसिव रोल है बच्चों ये भी गलत हो गया बिल्कुल बच्चों टीचर जहां पे उन बच्चों की इमोशनल नीड को पूरा करे क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे छोटे हैं प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे हैं हां जी बहुत अच्छे बच्चों बिल्कुल सही है आंसर आपका ये बन गया वेरी नाइस अब सब बच्चे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को देखेंगे सिक्सटीन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अच्छा मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाई क्यूज हैं बच्चों ऑलरेडी आए हुए हैं ठीक <coughs> है ठीक है चांदनी <coughs> तो बताओ बच्चों अ चाइल्ड सीज अ क्रो वो एक क्रो को देखता है फ्लाइंग पास्ट द विंडो विंडो से गुजरता हुआ एंड सेज अ बर्ड

बहुत अच्छी बात है बच्चों ऐसी ही तैयारी रखनी है सबको ऐसे ही आंसर आने चाहिए शुभम इतिश्री रवि बहुत अच्छे अखिलेश सोनी यशिका राजयंती प्रीति अल्पना काजल बहुत अच्छे बच्चों अब 17 का बताएं सब बच्चे 17 का आपका क्या आंसर बनेगा द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन हाउ एवर शी सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट और पियर गाइडेंस मतलब वो अकेली तो नहीं कर पाती लेकिन टीचर के गाइडेंस में कर देती है या पियर अपने साथ वाले के गाइडेंस में तो ऐसा गाइडेंस बच्चों क्या कहलाएगा लेटरलाइजेशन प्री ऑपरेशनल थिंकिंग जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या स्केफ फोल्डिंग करेक्ट बच्चों स्केफ फोल्डिंग कहलाएगी तो देखो ये बड़ी जबरदस्त टर्म है इसके फोल्डिंग का मीनस है कि वेन चाइल्ड डज द वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर या फिर किसी की हेल्प से उसको कर पाता है तो इसको हम स्कोल्डिंग कह दें जी बच्चों सपोर्ट करना बहुत अच्छी डन बच्चों अब देखेंगे एटीन नंबर आप लोग अ चाइल्ड विद हियरिंग इंपेयरमेंट देखो हियरिंग इंपेयरमेंट का मींस है सीधी सी बात समझ लो बच्चों बच्चे के कान खराब हैं ऐसे बना लेंगे कान खराब हैं कानों में प्रॉब्लम है सुनने में दिक्कत है <clears throat> राइट बच्चों जी बिल्कुल ठीक है तो बच्चों हम इसको देखेंगे देखो क्या बनेगा यहाँ पे हेयरिंग इंपेयरमेंट में शुड बी सेंट ओनली टू ए स्कूल फोर्थ हरिंग एम्पेयर नहीं बच्चों ये ये गलत हो गया ये तो इंक्लूसिव क्लासरूम को बताएगा नहीं विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली है ना कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल या फिर विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ओन पार बताओ क्या बनेगा हंड्रेड परसेंट बच्चों ये सी बनेगा आपका बहुत अच्छे कैन डू वेरी वेल इन ए रेगुलर स्कूल करेक्ट हो गया बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेराइड वेराइड स्कूल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट है ना बच्चों ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है बताइए यानी हम ये कह रहे हैं कि हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेराइड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल तो क्या इससे बनेगा क्या ये इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है इनकरेक्ट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है देखो हंड्रेड परसेंट बच्चों बना दिया आपने तो देखो करेक्ट ही होगा बच्चों इनकरेक्ट होने की तो बात ही नहीं है और करेक्ट भी कैसे होगा बिकॉज इट मेक्स द नहीं दिन बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पियर्स अपने साथ वालों से बहुत सारी चीजें यानी अलग अलग बच्चों की लैंग्वेज है चीजें हैं स्किल्स हैं तो उनसे वो अलग अलग चीजें सीखेंगे तो वेराइटी बन जाएगी उनके पास में तो इसका आंसर बच्चों आपका बी बनेगा करेक्ट बच्चों अब आप ट्वेंटी को देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को हम चेक करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट कौन से करेक्ट हैं चिल्ड्रन आर पैसिव पैसिव ना बच्चों हम उनको मानते नहीं है भले वो हो लेकिन हम उनको हमेशा मानेंगे। एक्टिव मानेंगे पेडेगोजी एक्टिव मानती है पॉजिटिव लेती है चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सोल्वर हमने कहा बिल्कुल प्रॉब्लम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं 100 परसेंट है एक्टिव एक्सप्लोरर हैं बिल्कुल बच्चों हैं तो आंसर क्या बना आपका ट्वेंटी का बी बनाए बीसी वेरी नाइस बच्चों ये करेक्ट आंसर बन गया आपका अब देखेंगे आप ट्वेंटी वन को अब हम बच्चों ट्वेंटी वन को देखेंगे रिसर्च इन 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 एडवर्स क्लासरूम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स तो बताओ बच्चों क्या हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट या आर द सोल डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी कोरिलेटेड या फिर डू नॉट ऑन जी बच्चों ओके ओके ट्वेंटी वन का हमारा क्या बनेगा ए आंसर नहीं है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हंड्रेड परसेंट बच्चों तो अगर टीचर की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो उसका बच्चे के रिजल्ट पे एक बड़ा इंपैक्ट होता है मतलब टीचर जैसा एक्सपेक्ट करता है बच्चे उतना ही बेहतर वर्क करते हैं ट्वेंटी टू को देखेंगे सब बच्चे इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स तो बताओ बच्चों क्या कहलाएगा इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ज एन अनरियलिस्टिक डेक्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विद डिसबिलिटीज या बच्चों इंक्रीज द बर्डन या फिर रिक्वायर ऑल राइट बच्चों ट्वेंटी टू का हमारा आंसर होना चाहिए डी बिल्कुल सही है तो ये बच्चों डी बनेगा आपका आंसर तो आंसर हमारा क्या होगा यहां पे डी करेक्ट एवरीवन जी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है बच्चों तो इसका हम डी लॉक कर दे अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री र्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल विच ऑफ दिवन लर्निंग एक्सपीरियंस डेलिटेट मीनिंगफुलर्निंग से लर्निंग को फेसिलिटेट नहीं करता है जो हम बात कर रहे हैं <coughs> तो क्या बच्चों रेपिटिशन होना चाहिए बेस्ड ऑन मेयर रिकॉर्ड या फिर फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन ऑन कंटेंट डिस्कशन या प्रेजेंटेशन देखो क्या कह रहे हैं वो नोट कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है इस पे आपको फोकस करना है बहुत अच्छे बच्चों आंसर आपका ए बन जाएगा रेपिटेशन बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल ऑफ कंटेंट 24 को देखेंगे सब बच्चे द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज बाई टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलप इन साइट इन टू का इंसाइट करने के लिए आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु नीड टू टू बी द स्टूडेंट क्लास या फिर नॉट प्रोमोटिंग दोस्ट नॉट मीट द स्कूल स्टैंडर्ड्स या चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच या फिर क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट बताइए बच्चों हाँ बिल्कुल सही है बच्चों 23 का सी बनेगा ना देखो आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी ये कोई बात नहीं है प्रोमोटिंग स्टूडेंट हु नोट मीट द स्कूल स्टैंडर्ड ये कोई बात ही नहीं है लेकिन सी को देखो चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड हमें उनकी नीड के अकॉर्डिंग चलना होगा वेरी नाइस बच्चों

राइट right, बच्चों क्योंकि क्योंकि सफाई करना सोशियो कल्चरल मूवमेंट है तो ये सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्शन को बताता है मोटिवेशन को इससे बच्चे मोटिवेट होंगे हंड्रेड परसेंट बच्चों बहुत अच्छे गिविंग पनिशमेंट अब देखो ट्वेंटी सिक्स क्या कहता है गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट इन ये क्या रिजल्ट करता है मोटिवेटिंग देम टू वर्क प्रोटेक्टिंग द चाइल्स इमेज या बच्चों इंप्रूविंग देयर स्कोर्स या डेमेजिंग कॉन्सेप्ट 26 का क्या आंसर करेंगे आप लोग 100 परसेंट बच्चों इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो डेमेज कर लेंगे अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को क्लियर हो गया सब बच्चों को बहुत अच्छे बच्चों वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर लिटर चाइल्डहुड कैटेगरी तो बच्चों अभी आपने पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड देखो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी किस में पढ़ती है इसमें से अठारह से 18, 18 से चौबीस या बच्चों टू तो हाँ जी वेरी गुड ट्वेंटी सेवन डी सब बच्चों ने बता दिया है ये बहुत अच्छे अब देख लो ये क्वेश्चंस की आपकी बच्चों प्रैक्टिस हो रही है और मैं बात बता दूं आज सिक्स डेट है आपकी कमिंग सिक्सटीन तक कमिंग बच्चों फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर सारे ही हम रिवाइज कर देंगे ऐसा मेरा मानना है क्योंकि हम पैसे जिसमें नहीं करेंगे सिर्फ हम पेडोगुजी वाले करेंगे बच्चों करेक्ट बात है कि नहीं अब देखो बच्चों ट्वेंटी एट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव आर इंपोर्टेंट बिकॉज तो एनसीएफ कहता है कि भाई एरर्स बहुत जरूरी हैं हाँ एक हफ्ते पहले आएगा मेनू तो बच्चों बताओ एरर्स आर इंपोर्टेंट बिकॉज दे क्यों है इंपोर्टेंट बताओ एरर्स आर इंपोर्टेंट टूल इन क्लासिफाइंग स्टूडेंट ग्रुप पास फेल को दिखाने के लिए प्रोवाइड वे टू द टीचर टू स्कोल्ड उन्हें स्कोल्ड करने के लिए भी कोई बात नहीं है प्रोवाइड एन इनसाइट इंसाइट द दाइल्ड थिंकिंग हो सकता है प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन बच्चों रिमूव भी नहीं कर सकते आप आंसर क्या बनेगा आपका हंड्रेड परसेंट सी बनेगा प्रोवाइड एन इंसाइट इंटू द चाइल्ड थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन वेरी नाइस nice, बच्चों ट्वेंटी नाइन को देखेंगे अब आप लोग विच वन आउट ऑफ द फोलोविंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड बताओ बच्चों सिबलिंग्स एंड टीचर्स टीचर्स एंड पियर्स पीयर्स एंड पेरेंट्स या पेरेंट्स एंड सिबलिंग बताओ बच्चों कि क्या कौन प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को अबाउट द रूल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन द ग्रुप और वो भी अर्ली चाइल्डहुड में तो सीधी सी बात है हंड्रेड परसेंट बच्चों क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में आपके पास कौन होते पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स तो इसी वजह से बच्चों आंसर आपका डी बनेगा हंड्रेड परसेंट और बच्चों आज का लेंगे हम ये लास्ट क्वेश्चन मॉर्निंग का आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू तो बच्चों अगर हम एक बॉक्स को देखें यहां पे और आउट ऑफ द बॉक्स की बात करें इस तरह से तो जब भी ऐसे आप आउट ऑफ बॉक्स देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट का मीन होता है कि आप एक जगह से उठ के हर पॉसिबल लाइक ऑप्शन को देख रहे हैं हर पॉसिबल सोल्यूशन को देख रहे हैं जबकि अगर हम चारों तरफ से मिलके एक ही जगह पे एक ही सोल्यूशन पे फोकस करें तो बच्चों कन्वर्जेंट हो जाएगी तो कन्वर्जेंट होती है ये वाली डाइवर्जेंट होती है बच्चों ये वाली और मेमोरी बेस्ड आप जानते हैं कंसिस्टेंट आप जानते हैं तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा इसमें क्लियर टू एवरी वन रह गया क्या कुछ ट्वेंटी नाइन तो हो गया ना तो बच्चों आज हम थर्टी क्वेश्चन करेंगे अच्छा फिफ्टी क्वेश्चन हाँ ठीक है प्रीति प्रीति मैं बताता हूं बच्चों अभी क्लास है नाइन ए एम से क्लास है तो मुझे अब क्लास लेनी होगी लेकिन हाँ सिक्स पीएम पे हम फिर मिलेंगे मैं सबको बता दूं मैं क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस भी है बच्चों। तो बज के, बजे या फिर सब बच्चे सेटल कर लिया करें जैसे अभी आज की क्लास मैंने एट थर्टी पे कर दी वो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल हो गई तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है दस बीस तीस मिनट का इसको सब बच्चे अपने साथ सेटल कर लिया करें है ना बच्चों अच्छा नोटिफिकेशन नहीं मिला अपना बेटा आप उसको जो इसमें आता है ना जो हमारा चैनल है इस इसपे कुछ आता है कि मतलब बेल आइकन को दबा दे कुछ उससे नोटिफिकेशन आपको सीधा पहुंच जाएगा ऐसा कर लें आप चलो बहुत अच्छी बात है चांदनी गुड ऑल राइट तो शाम को भी बच्चों हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे ट्वेंटी क्वेश्चन इसमें है और मैं इसको बढ़वा दूंगा क्वेश्चन और ज्यादा ले लेंगे यानी एटलीस्ट हम थर्टी क्वेश्चन और मैक्सिमम फिफ्टी क्वेश्चन करेंगे तो 30 से 50 क्वेश्चन आपके पास डेली मिलेंगे राइट बच्चों तो चलिए मिलते हैं इवनिंग में थैंक यू सो तो मच ठीक है जी ठीक है हाँ, मॉर्निंग में एट क्लॉक एट ओ क्लॉक ही है कई बार ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा सा जरूरत पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग में इसको आगे पीछे कर लेता हूं है ना बच्चों रहेगी आठ सौ नौ के बीच ये पक्का है आठ साढ़े आठ ज्यादा ज्यादा इतना हो सकता है थैंक यू बच्चो मी टू इन द इवनिंग इन्हीं क्वेश्चंस के साथ फिर से इवनिंग में मिलेंगे सब बच्चे तैयार रहे बढ़िया से और अपने वर्क को लगातार करते रहें थैंक यू सो मच एवरीवन